हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अबाउट हेयर मास्क के बारे में। ये हेयर मास्क लगाने से हमारे बाल हो जाते हैं सॉफ्ट, स्मूथ, शाइनी और नॉन फिजी, और ये हेयर मास्क हेल्प करता है हमारे बालों को ग्रो करने के लिए। तो ये इस हेयर मास्क को बनाने के लिए सिर्फ दो इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत है। एक है ये फ्लैक्स सीड जिसे हम अलसी कहते हैं, और सेकेंड है आलमंड ऑयल। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत है एक गिलास पानी, और यहाँ पर मैंने लिया है 4 to 5 टेबलस्पून ऑफ फ्लैक्स सीड। आप अपने हेयर लेंथ के हिसाब से ले सकते हो। और यहाँ पर मैं इसे बॉईल करूँगी फॉर 4 to 5 मिनट्स। आपको फ्लैक्स सीड कोई भी आपके ग्रोसरी स्टोर या ऑनलाइन में इजीली मिल जाएगा, और ये होता है अराउंड 40 to 50 रुपीज़ के कॉस्ट में, आपको मिलता है 250 ग्राम। इसे मीडियम आंच पे बॉईल करना है, और जब इसे बॉईल करें तो आप इसे बीच बीच में चम्मच से हिलाते रहिए, अदरवाइज़ ये नीचे स्टिक हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने इसे हाफ से भी ज़्यादा रिड्यूस कर लिया है, और इसका जो है इस जेल में एक स्टिकी तार आया है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये रेडी है, क्योंकि हम इसमें एक तार दे सकते हैं और ये रिड्यूस होकर गाढ़ा भी हो गया है। और इसे तुरंत ही हमें छानना है एक चाय के छन्नी में, इसे ठंडा होने के लिए नहीं रखना है। अगर ये ठंडा हो जाए तो काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा, और ये बहुत मुश्किल होगा इसका जेल निकालने के लिए। तो जब ये गर्म हो तभी इसे स्ट्रेनर के हेल्प से एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लीजिए, और इसे थोड़े टाइम के लिए ठंडा होने के लिए रखें। अगर आप डायरेक्ट हाथ लगाओगे तो आपके हाथ बर्न हो सकते हैं। अब मैं इस जेल को ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखूँगी सिर्फ 2-3 मिनट के लिए। आप इस हेयर जेल को ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर आप इसे स्टोर कर सकते हो किसी भी क्लीन कंटेनर में, और ये रहेगा 25 to 30 डेज तक। और मैं रेगुलरली फ्रेश बनाना पसंद करती हूँ। आप इसे चाहो तो एक्स्ट्रा बनाकर आप इसे स्टोर कर सकते हो। और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी आलमंड ऑयल, जो होगा अराउंड 4 to 5 ड्रॉप्स। और इसमें आप कोई भी ऑयल ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर आलमंड ऑयल यूज़ किया है। आप इसके अंदर ऑलिव ऑयल, विटामिन ई कैप्सूल, कोकोनट ऑयल, एसेंशियल ऑयल कुछ आप ऐड करके इसे स्टोर कर सकते हो। आलमंड ऑयल ऐड करने के बाद मैं इस जेल को फ्रिज में रखूँगी 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि ये और अच्छे से गाढ़ा हो जाए, और जब मैं इसे बालों में अप्लाई करूँ तो ये काफ़ी अच्छे से और ईजीली अप्लाई हो जाए। अब बढ़ते हैं एप्लीकेशन की टूवर्ड, कि किस तरह से हम इसे हमारे बालों में लगाएं। तो सबसे पहले मैं मेरे बालों में से सारे नॉट हटाऊंगी, ताकि लगाते वक्त इस जेल को जब मैं लगाऊं बालों में तो कोई नॉट ना आए और ये इजीली अप्लाई हो जाए। अब देख सकते हो फ्रिज में रखने के बाद ये जेल कितना गाढ़ा हो गया है। छोटे छोटे सेक्शंस लेकर बालों में इसे अप्लाई करोगी। अब बात करते हैं हम फ्लैक्स सीड के बेनिफिट्स के बारे में। फ्लैक्स सीड जिसे अलसी, लिनसीड और जावस भी कहा जाता है, इसमें भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन बी, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन पाया जाता है, जो हेल्प करता है हमारे बालों को ग्रो करने के लिए। इसके अलावा फ्लैक्स सीड में पाया जाता है एसेंशियल विटामिन और मिनरल्स, जो हेल्प करता है बालों में नरिशमेंट के लिए, और ये बालों के फॉलिकल्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिसकी वजह से हमारे बाल झड़ने कम हो जाते हैं, और बीच से टूटना भी कम होता है, और बालों को ये शाइनी, सॉफ्ट और मॉइस्चराइज करता है। और इसके अलावा ये हेल्प करता है बालों में से डैंड्रफ को कम करने के लिए। सो इस तरह से हमारे बाल हो जाते हैं स्ट्रॉन्ग, हेल्दी, शाइनी और सॉफ्ट। ये जेल हमारे बालों को ड्राइनेस से भी बचाता है, और इससे हमारे बाल काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं, जो कि विंटर में बहुत ही ज़रूरत होती है हमारे बालों के लिए। मोस्टली विंटर्स में हमारे बाल हो जाते हैं ड्राई, तो ये बालों को ड्राइनेस से भी बचाता है। ये हमारे बालों को हाइड्रेट करता है, और साथ में स्कैल्प को भी काफ़ी अच्छे से ये पोषण देता है। सीड में विटामिन ई पाया जाता है, जो हेल्प करता है हमारे बालों को नरिश करने के लिए, और उसके अलावा ये हेल्प करता है हमारे बालों में प्री मेच्योर ग्रेइंग की जो समस्या होती है, इसे भी ये काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट करता है। आप इस हेयर जेल को वीक में एक बार लगा सकते हो।
मैं इस जेल को मेरे बालों में 1 आवर तक रखूंगी और उसके बाद में इसे नॉर्मल वाटर से वॉश करूंगी। मैंने ये हेयर मास्क मेरे बालों में लगाने के बाद में सिर्फ नॉर्मल शैम्पू से मैंने इसे वॉश किया, मैंने कोई कंडीशनर या सीरम नहीं लगाया। आप देख सकते हो मेरे बाल काफ़ी स्मूथ, सॉफ्ट और शाइनी हो गए हैं। हमारे बालों को डैमेज से ये प्रोटेक्ट करता है और इसके अलावा ये हेल्प करता है बालों को ग्रो करने के लिए। जिन्हें प्रॉब्लम है कि जिनके बाल पतले हैं, जिनके बहुत हेयर फॉल है, तो आप इस हेयर मास्क को यूज़ कीजिए और मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर आप बताइए कि आपको ये हेयर मास्क कैसे लगा है। जब आप इसे लगाओगे और जब फर्स्ट टाइम आप इसे लगाकर आप देखोगे, तभी आपको इसके बारे में पता चलेगा कि ये कितना अच्छा हेयर मास्क है। मास्क का इफेक्ट जो है ये आपको फर्स्ट टाइम में ही पता चलेगा, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए घर में, क्योंकि ज़्यादा इसमें कोई इंग्रेडिएंट की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट ही हमने यूज़ किया था, फ्लैक्सीड और आलमंड ऑयल। आप आलमंड ऑयल के बदले में एलोवेरा जेल, एसेंशियल ऑयल या कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के पास ही में एक बेल आइकन है, आप उसे क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियोस अपलोड करूँगी तो आपके पास मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आएंगे और आप सबसे पहले मेरे वीडियोस को देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आपको एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।